नमस्कार, स्वागत मुद्दा में आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में आ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रियंका गांधी को राजनीति में शामिल करने की मांग जारी थी, जिसे अब पूरा किया गया है। प्रियंका गांधी से पहले भी रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करती रही हैं। माना जा रहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव काफी निर्णायक होने वाला है, इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से समीकरण पूरी तरह बदल गया। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दांव चला। तो वहीं मध्यप्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आने पर पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि भले प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा। प्रियंका जी, ये जो को जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने कहा कि हम अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो प्रियंका गांधी जी को राजनीति में लाए और उनको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। इससे न केवल पार्टी को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के रिवाइवल, कांग्रेस के जो है फिर से मजबूत होने की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी की तो कहानी खत्म। अब कांग्रेस कितना गेन करेगी ये देखने की बात। ये ट्रंप कार्ड है कांग्रेस के लिए अभी तक। अब आप क्या कहते हैं, आप इसको क्या समझते हैं, ये आप समझिए। केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है, तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम जाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर वन प्रदेश बने। और जो यूपी के जो युवा हैं, और मैं किसी जात किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप यूपी के युवा हो, आपने अपने प्रदेश को आइए जानते हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस में बड़ी भूमिका मिलने के बाद दूसरे दलों का क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी है। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक ही परिवार में सब नियुक्ति होती है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेल हो गए हैं, इसका आज सार्वजनिक अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिला होने के नाते उनके राजनीति में प्रवेश का और कांग्रेस पार्टी में बड़े पद दिए जाने का स्वागत करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां भी बढ़ेंगी। तो देखा आपने कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में उनको लाए जाने के बाद विपक्षी दलों का और जो साथी दल है उनका क्या कहना है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता काफी हद तक उत्साहित हैं प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से। जो कुछ मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। वो जानते हैं कि क्या समीकरणें बनेंगी प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद। जो मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश झा, जुड़ चुके हैं नेता है बीजेपी से। हमारे साथ गोविंदपंत राजू है, सलाहकार संपादक एपीएन। हमारे साथ अजय प्रमुख जुड़ चुके हैं, नेता है आरएलडी से। और अंशु अवस्थी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। अंशु अवस्थी, मदतों के इंतजार के बाद प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में आई हैं, क्या उम्मीदें हैं कार्यकर्ताओं को?
देखिए अनंत जी, सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी। श्री राहुल गांधी जी हमेशा कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। कई सालों से ये कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी जी को रायबरेली और अमेठी के बाहर सक्रिय राजनीति में लाया जाए। आज जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में हैं और खास तौर से पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा महिला सशक्तिकरण रहा है, हम उसको लेकर प्रतिबद्ध हैं। श्री प्रियंका गांधी जी की नियुक्ति हम सबको एक नई ऊर्जा देगी और सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के कांग्रेस जन उत्साहित हैं कि प्रियंका गांधी जी कम से कम अब, चूंकि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, उनके पास बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, तो उस समय में कहीं कोई कार्यकर्ता की बात रह न जाए, इसलिए प्रियंका गांधी जी को लाया गया है जी। बाकी जो लोग आरोप लगाते हैं ये उनकी वो है, वो आरोप लगाते रहेंगे। अंशु अवस्थी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक नया नेता तो मिला, लेकिन साथ ही साथ वंशवाद का एक नया फूल भी खिला है। देखिए एक चीज समझ लीजिए आनंद जी, इसमें मुझे कोई दूसरी बात नहीं कहनी। आपको याद होगा श्री राहुल गांधी जी ने इसको लेकर बर्कले यूनिवर्सिटी में एक बात कही थी कि वंशवाद को देखना इतना गलत नहीं, सभी जगहों पर जहां पर कोई भी वो हो उसका वंशवाद को लेकर इतना बुरा क्यों माना जा रहा है। सवाल ये है, हम वंशवाद को ये प्राथमिकता नहीं देते कि कोई भी वंशवाद में जो व्यक्ति कुछ ना कर रहा हो, ना सक्रिय हो, उसको अगर जिम्मेदारी दी जाए तो समझ में आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 27 साल यूपी बिहार का नारा देते हुए आप ही लोग थे, कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे, राहुल गांधी थे, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर वंशवाद की तोहमत लगाते थे, इसलिए वंशवाद का जिक्र आपसे किया गया। देखिए समय, मैं उस चीज को बहुत ज्यादा डिफेंड ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज हम सभी काफी उत्साहित हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से 23 महीने में हर मोर्चे पर विफल हुआ है बीजेपी की सरकार में, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, कोई भी परीक्षा नकल भी नहीं हुई है आनंद जी। प्रियंका गांधी जी के बनने से हम ये चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दें, उत्तर प्रदेश को वाकई, जाहिर बात अंशु अवस्थी, प्रियंका गांधी की एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता का उत्साह काफी बढ़ेगा, ये समझ रहे हैं हम लोग। विपक्षी दल क्या सोचते हैं जान लेते हैं। राजेश शाह, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का सक्रिय राजनीति में आ जाना क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, क्योंकि महागठबंधन से पहले ही उत्तर प्रदेश में काफी मुश्किलें आ चुकी हैं। देखिए आनंद जी, ऐसा है कि आज इन्होंने पुख्ता कर दिया है कि परिवारवाद, वंशवाद, इसके ऊपर आज इन्होंने मुहर लगा दिया जी। देश की जनता को सब कुछ पता है, यही एक बेसिक डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, और देश की जनता इस डिसीजन का इंतजार कर रही थी और देश की जनता के सामने ये आ ही गया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ 70 साल से परिवार की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस के मैं नेताओं को ओपन चैलेंज भी करना चाहता हूं और उनको मार्ग, एक दिशा दिखाना चाहता हूं। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा आपके पास कोई चेहरा नहीं है? तो हर्ष क्या है? यही एक अंतर है भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाती है तो बीजेपी को ऐतराज क्यों है? क्या आपको लगता है कि मजबूत चेहरे के तौर पर नुकसान पहुंचा सकती हूं आपको? बोल रहे हैं सर, स्वागत है सर, मैं अनंत जी, मैं तो बोलता हूं कि स्वागत है। अब असली मजा आया कि एक परिवारवाद की जो असली चेहरा था देश के सामने, एक चेहरा प्रकट हुआ जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और भी एक दो पद हैं, वो भी परिवार में बचे तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ फुफेरे और ममेरे भाई को और इटली से भी दो चार लोगों को ले आए और वो दे दें, ताकि ऐसा हो कि सचिव और कोषाध्यक्ष। राजेश शाह, वंशवाद की बात आपने की है, बीजेपी के 18-20 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर वंशवाद की तोहमत लगी है, उसमें गृहमंत्री भी शामिल हैं, उसमें कई और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको कि अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की कुर्सी भी दे दी गई है, वो नाम भी हम लोग गिनेंगे ऊपर जो भी लगा होगा। लेकिन मैं ये आपको बोलना स्पष्ट करना चाहता हूं कि गांधी परिवार का मोहर जिस तरह से, नहीं, अलग अलग कसौटी नहीं रखेंगे सर एक चीज के लिए, अगर कोई एक फैक्ट है तो कसौटी आपकी एक ही रहनी चाहिए। बाकी मैं उनसे रिएक्शन जानते हैं, फिर मैं आपके पास मांगा हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। विनय सिंह भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आज देश की जनता को समझ में आ गया कि एक पार्टी परिवार के लिए कैसे काम करती है और एक परिवार पार्टी के लिए कैसे काम कर रही है, ये देश के जनता को खुल गया। ठीक है राजेश जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, अपनी बात दोबारा रखिएगा सर, वक्त काफी है चर्चा में हमारे पास। विनय कुमार सिंह जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। विनय कुमार सिंह,
बसपा और सपा के एक साथ आने के बाद ये उम्मीद थी कि कड़ी टक्कर मिलेगी बीजेपी और सपा बसपा के गठबंधन को, लेकिन अब प्रियंका गांधी के एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में ट्रायंगल बनता दिखेगा? देखिए, यहाँ टक्कर की कोई बात नहीं है, और रही बात समाजवादी और बहुजन समाजवादी के गठबंधन की, तो समाजवादी और बहुजन समाजवादी के पार्टी के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी परेशान हैं। और जो बता रहे थे झा साहब अभी कि क्या कहते हैं कोई चेहरा नहीं है, मैं बता दें कि मोदी जी के चेहरे के सिवा और विचारों में जुमले के सिवा इनके पास क्या है? कुमार सिंह, या कुछ बता, प्रियंका गांधी के ऊपर बताइए ना, इनके पास भी कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी के ऊपर बताइए ना कि प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आती है, पूरे उत्तर प्रदेश का उनको चार्ज दिया जाता है, तो क्या सपा बसपा गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? चेहरा इतना कद्दावर देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? या प्रियंका गांधी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सोचे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और बहुत अच्छी सीटें उस उत्तर प्रदेश में निकालेंगी। हम तो सोचे थे एक आध दो बोहनी हो जाएगी शायद बीजेपी की, हो सकता है प्रियंका के आने के बाद उनके लिए दिक्कत हो जाए। और कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा सर? ऊपर है कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा या आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा प्रियंका गांधी का चेहरा एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश में आने के बाद? यह तो कांग्रेस का आने वाला समय बताएगा। फिलहाल नुकसान होगा के पार है, और भारतीय जनता पर कोई नुकसान नहीं। समाज अखिलेश यादव जी के कार्य को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, उन्होंने किस तरह से कार्य किया है, कौन सा विकास किया है, वह पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। 2017 में काम बोलता है, कार्यों का नकारी जा चुकी है। 2017 के चुनाव में काम को चुप करा दिया गया था, जनता ने कराया, किसी और ने नहीं कराया। अनंत जी नकारा नहीं जा चुका है, वह जो है जनता जो है थोड़ा सा इनके जुमले में इधर उधर चली गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार इनको एकाद सीट ठीक है सर, भी चुनावी वादे फिर कभी करेंगे, चर्चा में हम लोग भी नहीं खुल रहा है। गांधी के आने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने के लिए अगर और भी पार्टियां आती है तो सबका स्वागत है, सब ठीक है। लेकिन अजय प्रमुख आरएलडी कैसे देख रही है सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी को आने के बाद? प्रियंका गांधी राजनीति में आई अभी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति के लिए पहले से अपनी पार्टी के लिए काम करती आई हैं, चाहे वो अपनी माताजी के लिए करती आई हो, चाहे भाई के लिए करती आई हो, लेकिन अब फुल फ्लैश में राजनीति में आ गई हैं, तो इससे कांग्रेस की बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत है और फायदा ही होगा, क्योंकि जैसी राजनीति चल रही है अभी हमारे भाजपा वाले प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी वंशवाद की ये बात करते हैं, पहले अपने यहाँ वंशवाद खत्म कर ले, जब दूसरे का देख ले। इनकी तो चीजें ये हैं, इन्हें कोई दूसरा करता दिखाई देता है भाजपा वालों को तो इन्हें एकदम दिक्कत होने लगती है, ये चाहे कुछ भी करते हैं, ये चाहे कुछ भी करते हैं। देखिए देश में पूरे, ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, खाली ये नहीं है कि चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह जी क्यों आ गए या जैन जी क्यों आ गए, ये पूरे देश की बात है। अगर कोई राजनीति करना चाहता है और उनके बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, देश को समर्पित होने चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? राजनीति कर रहे हैं वो, कोई ये थोड़ी है कोई कोई उस चीज की विरासत मिल गई, कोई चौधरी चरण सिंह जी वाली विरासत आगे थोड़ी मिली। प्रियंका गांधी के रोल पर सीधा जाते हैं, अगर कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान किसका होगा? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, देखो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेकार है। देखो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दे ये सारी चीज और ये सारी चीज जनता समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आई भी राजनीति में कैसे है और इन्हें सरकार अब दोबारा कैसे प्राप्त हुई थी उसको सब जानते हैं। ये एक खाली हिंदू मुस्लिम चुनाव, कहीं विकास की बात करी है, कहीं कुछ करी है, लेकिन देश जनता को कुछ नहीं पाई है, किसान इसमें बर्बाद हो गया है। सबसे बड़ी बात तो है देश का 70% जो देहात में आदमी रहता है, किसान वर्ग, वो बहुत परेशान है और बर्बाद हो चुका है आपकी सरकार में, ये सारी चीज समझ चुकी है। केवल इन्होंने राम मंदिर मुद्दे ये दो चार चीज बनाकर वोट ले ली है। प्रियंका गांधी का आना कैसे फिर फायदेमंद साबित हो रहा है आपके लिए? प्रियंका गांधी का आना भी फायदेमंद ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है? प्रियंका गांधी भी भाजपा के खिलाफ है, हम भी भाजपा के खिलाफ है, सब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। एक दूसरे के खिलाफ भी तो हैं। देखो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आप एक दूसरे के अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, अभी चुनाव नहीं हुए हैं, राजनीति में समीकरण बदलते भी रहते हैं और हमारा गठबंधन भी मजबूत है और कांग्रेस भी मजबूत है। गोविंद को जानना चाहूंगा कि एक नई समीकरण अगर जोड़ती है उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी के चेहरे के रूप में आकर के, तो कैसे देखा जाए कांग्रेस के लिए क्या फायदेमंद साबित होगा? और जो एलिगेशन है बीजेपी का कि वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये लोगों के दिमाग में उतरेगा? देखिए वंशवाद का सवाल लोगों के दिमाग में उतरेगा मुझे नहीं लगता, बहुत इसका
बहुत नीचे तक असर होगा, क्योंकि वंशवाद भारत की राजनीति में तो पुश्तैनी कारोबार हो गया है जी। और अखिलेश यादव ने एक बार कहा था मेरा मेरे कैरियर का क्या होगा, तो अगर कैरियर और पुश्तैनी कारोबार है तो कमोवेश सारे दल एक जैसे ही उसमें हैं। आरोप लगाने वालों पर भी आरोप आएंगे तो इसका कोई बहुत नीचे तक गहरा असर होगा मुझे नहीं लगता। राजनीतिक मंचों से भाषण के वक्त जरूर एक ये मुद्दे के तौर पर ये विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे सामान्य तौर पर ये दिखता है कि इस घटना से भले ही ये आरोप विपक्ष लगाए कि वो राजनीति में नहीं थी, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य नहीं थी, अचानक उनको महासचिव जैसी जिम्मेदारी दे दी गई, वो उसी परिवार से हैं, परिवार के होने की वजह से उनको इस तरह की जिम्मेदारी मिली, ये आरोप भले ही लगे, लेकिन प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, कांग्रेस की मशीनरी में उत्साह आएगा और कांग्रेस के लिए ये गेम चेंजर भी हो सकता है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने से पहले भी और अध्यक्ष बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई देती। प्रियंका गांधी भले ही वो अमेठी और रायबरेली के बीच ही वो केंद्रित अपने को उन्होंने किया है, लेकिन उनकी अपील लोगों के बीच में दिखाई देती जी। पिछले चुनाव में भी ये माना जाता है कि अगर प्रियंका गांधी वहां पर नहीं होती तो राहुल गांधी हार भी सकते थे, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर एक जो सहज कनेक्ट लोगों से अपने को जोड़ने का एक गुण उनके अंदर है, वो गुण कितना वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितना वक्त बाकी सूबे में राजनीति को देती हैं। अगर क्योंकि अभी ये जो डिवीजन जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, ये कांग्रेस के हिसाब से कांग्रेस की एक योजना थी कि एक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश को चार हिस्सों में अलग अलग बांटा जाए और चार हिस्सों में अलग अलग प्रभारी रखे जाए। तो अगर ये चार हिस्सों के बजाय जैसे कि आज दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी जैसा, तो अगर ये दो हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटने की जिम्मेदारी है तो प्रियंका गांधी के पास लखनऊ समेत बहुत बड़ा इलाका होगा जहां वो महासचिव के तौर पर प्रभारी के तौर पर राजनीति कर सकेंगे, लेकिन ये निर्भर इस बात पर करेगा क्योंकि रायबरेली और अमेठी में उनकी जो राजनीति होती है वो कमोबेश पिकनिक के साथ राजनीति होती है। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है और वो चुनाव क्योंकि गर्मियों के वक्त होगा तो उनको पसीना बहाना पड़ेगा और वो जो पिकनिक कल्चर है उससे अपने को बाहर लाना पड़ेगा, अगर वो ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक लाभदायक एक फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन मैं कांग्रेस से जाना चाहूंगा सर, इस बात अंशु अवस्थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश ही क्यों दिया गया प्रियंका गांधी को? क्या डायरेक्ट चैलेंज है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें आती हैं जिसमें कि गोरखपुर भी आती है, जिसमें फूलपुर भी आती है, जिसमें कि दोनों हालांकि चुनाव हार चुके हैं, उपचुनाव जो रहा था बीजेपी, लेकिन गाजीपुर चंदौली जो मनोज सिन्हा की सीट है या फिर महेंद्रनाथ पांडे की सीट है। देखिए अनंत जी, एक चीज लोकसभा के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये नेतृत्व का ये सोचना है श्री राहुल गांधी जी का कि जो भी प्रियंका जी प्रभार देखें वहां पर कम से कम सब सारी जगहों पर पहुंचे, जिम्मेदारी से सारे जो निर्णय है वो हो सके, और उत्तर प्रदेश चूंकि लोकसभा के लिहाज से क्षेत्रफल के लिहाज से बड़ा राज्य है तो इसलिए उनको पूर्वी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, और भविष्य में आने वाले समय में और भी प्रभार दिए जाएंगे, कोई इसमें नई बात नहीं है, लेकिन अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, अभी और कुछ पड़े तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्टार प्रचारक होंगी ये समझा जाए? निश्चित तौर से प्रियंका गांधी जी, और मैं एक चीज और अनुरोध के साथ कहूंगा, देखिए प्रियंका गांधी जी स्टार प्रचारक होंगी और रायबरेली अमेठी के बाहर निकल के कार्यकर्ताओं की मांग थी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी की है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रियंका गांधी जी को लेकर आलोचना है वो सीधे तौर पर महिला विरोध को दिखाती है अनंत जी, क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, उसके बाद जो ये वंशवाद की बात करते हैं, हमने लोकसभा स्पीकर पहला महिला बनाया जो गांधी परिवार से नहीं था, पहली महिला राष्ट्रपति बनाया जो गांधी परिवार से बाहर की थी, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 91 के बाद
राजीव गांधी जी के बाद कोई भी गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को अपनी बातें कुछ नहीं है, सिर्फ ये महिला विरोध करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी महिला विरोध जो आक्षेप है सर, जो हम लेकर आ रहे थे कम नहीं है, 100% महिला आरक्षण विधेयक लेकर जो हम आ रहे थे उसको लेकर उद्घोषित किए गए थे, किसी ने गलत कहा होगा। हम संजय निरुपम जो आज आपके यहाँ शामिल हो चुके हैं, इससे पहले पार्टी में थे, वहाँ पर लड़की के जींस पहनने पर वो आपत्ति जता चुके थे, प्रदर्शन कर चुके थे, तो ऐसा अमूमन हर राजनीतिक पार्टी में है सर, कोई पार्टी अच्छी नहीं है। हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। आज महिला विरोधी डिबेट में आपने इसमें स्क्रू डाल दिया है बीच में, इसका पक्ष किया ये भी जानेंगे, लेकिन राजेश झा स्टार प्रचारक आप बताओ ना, तरफ से आप बताओ क्या आरएसएस का कोई सरसंघचालक महिला बना क्या? ठीक है अंशुवस्ती, बिल्कुल आ जाऊंगा इस बात को लेकर, अध्यक्ष महिला इस बात को लेकर बिल्कुल आ जाऊंगा सर, आपकी बात का जवाब देंगे हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सवाल पूछेंगे भी बराबर में, बीजेपी से सवाल है अंशुवस्ती, मैं वापस आपकी बात आऊंगा। राजेश झा स्टार प्रचारक के तौर पर क्या प्रियंका गांधी पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के लिए सुचेता कृपलानी हो? थोड़ा शांत कर लीजिए। राजेश झा सवाल मेरा ये कि अगर कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक अब प्रियंका गांधी हैं, तो क्या वो सीधी चुनौती दे रही है इस वक्त आदित्यनाथ योगी को, जो कि स्टार प्रचारक हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के? देखिए वो उनको अभी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, और इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दोनों खुश क्यों हो रहे हैं। इनके इन्होंने तो बीड़ा उठा लिया है कांग्रेस मुक्त यूपी बनाने का, इन्होंने 38 सीट दोनों ने बांट लिया है, आपके कहने से सफाया हो गया। राजेश झा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी के आने से, मैं बता रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी के आने से सिरदर्द जो बढ़ा वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का सिरदर्द बना है। राजेश झा बीजेपी का काम और बीजेपी का प्रश्न पूछ रहा हूँ सर, बीजेपी के आपके स्टार प्रचारक आदित्यनाथ योगी प्रियंका गांधी का चेहरा एक चुनौती नहीं होगा? देखिए अब वो समय निकल गया जब प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का एक चेहरा था और इनका नाम था, वो सारा देश की जनता ने 70 साल में देख लिया कि देश को किस जगह पर लाके कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 साल के शासन में खड़ा कर दिया जी। देश जहां पर ये बहुत पुरानी दलीलें हो गई, हर चुनाव में दलीलें दी जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी कहने के बाद काम करेगी नहीं करेगी जाने के बाद। अजय प्रमुख मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये कहना क्या सही नहीं होगा कि प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, और आदित्यनाथ योगी को सीधी चुनौती देंगी वो? बिल्कुल चुनौती है, वो माने या ना माने डर रहे हैं इस चीज से, वो तो गठबंधन से भी डर रहे हैं, प्रियंका से भी डर रहे हैं, सभी से डर रहे हैं, जनता से डर रहे हैं। असलियत जो है जनता इनकी सब चीजों को समझ चुकी है और इनको किसी चीज का भय नहीं है। पिछली बार इन्होंने जनता को हिंदू बनाओ मुस्लिम चुनाव करके बहका लिया था, विकास की बात करते रहे थे, अपनी तो 70 साल की पिछली दूसरी सरकारों की 70 साल की करते हैं। मैं बता रहा हूँ 5 साल में इन्होंने इतना कुछ कर दिया जनता के लिए कि जनता इनसे नाराज हो चुकी है, तो जनता इन्हें समझ चुकी है और जनता को चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है, डरिए खुद रहे हैं। इसका सारा समीकरण आपको उपचुनाव में भी दिखाई दे गया होगा, फूलपुर गोरखपुर उसके बाद कैराना और नूरपुर। कैराना में इन्होंने पूरे जोर लगाए थे, जब तक फूलपुर गोरखपुर में पहले चुनाव हुआ था उसके बाद में कैराना में हुआ था, और कैराना में ये कह रहे थे कि भाई कैराना हम नहीं हारेंगे, इनका पूरा संगठन सारी चीज लगी थी, उसके बावजूद भी भारी वोटों से कैराना से भी हारे हैं, इसके बाद 5 स्टेटों में हारे हैं, तो जनता इन्हें समझ चुकी है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो हराती जिताती कोई पार्टियां नहीं है, जनता हराती जिताती है, किसी भी दल को ऊपर लाना या नीचे करना है। इनकी इन्होंने क्या किया, बिल्कुल भ्रमित किया जनता को, किसानों को तो बहुत विशेषकर भ्रमित किया। आज किसान सुबह से शाम तक सारे दिन काम करता है और रात के टाइम पे अपने खेत में रखवाली करता है, वो किस कारण से? इस सरकार के कारण से, क्योंकि पशु जो पैदा करता है उसे पशु खा जाते हैं, उसकी जब फसल ही नहीं आती किसान की। ठीक है, वो किसानों के मुद्दे अलग हो जाएंगे सर, लेकिन हाँ मुद्दे अलग हो जाएंगे, लेकिन परेशानी तो इन्हीं चीजों से है, इनकी नीतियों से है। मैं जानना चाहूंगा सीधी चुनौती है प्रियंका गांधी आदित्यनाथ योगी के लिए, तो सपा बसपा गठबंधन के चेहरे के लिए भी तो चुनौती है वो? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सपा बसपा गठबंधन सपा बसपा गठबंधन को कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
ओबीसी और दलित के साथ इन्होंने जितनी उपेक्षाएं की हैं उसका परिणाम है सपा बसपा गठबंधन हाँ। अपने और तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है हाँ। अभी अभी 10% आरक्षण के नाम पर हाँ। इन्होंने सवर्णों के बीच में छुरा घोंपा है, उसका भी परिणाम इनको मिलेगी प्रियंका गांधी आने के बाद, लेकिन आपके गठबंधन को नहीं मिलेगी। बीजेपी अब खत्म है, अब बीजेपी के बाद यहाँ भी एक तरफा चुनाव है, बीजेपी नथिंग। आप देख नहीं रहे, काफी दिनों से काफी सन्नाटे में जी रहे हैं, इनके पार्टी का हाल देख नहीं रहे, अमित शाह जी के बयानबाजी को देख नहीं रहे, मोदी जी के जुमले में सुधार आया है, वो नहीं देख रहे हैं। कितना सुसक्ता अवस्था में आज कल ये जी रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा? कार्यकर्ता बीजेपी का होपलेस है, बिहार में क्या जा रही है, इनका कार्यकर्ता परेशान, इनके मंत्री परेशान, इनके विधायक परेशान, योगी जी खुद अपने आप सवाल मेरा ये है ही नहीं जो आप बता रहे समझ में नहीं आ रहा है। सवाल मेरा ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का चेहरा बीजेपी के लिए चुनौती है, तो उसका फर्क क्यों ना माना जाए कि आपके गठबंधन के ऊपर भी पड़ेगा? अनंत जी देखिए, इसलिए नहीं पड़ेगा, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी के साथ इन्होंने जो अत्याचार किया है उस लड़ाई को लेकर के, यानी जातिगत इक्वेशन में दलित और ओबीसी को आप अपना वोट बैंक मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंशु अवस्थी क्या हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश सर आप ही वोट बैंक गिनवा रहे हैं कि किसी ने बुरा किया आपके साथ कौन है? अब आप कहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश साथ में है, जी जी आप ही ने जो गिनवाया सर, मैंने वही रिपीट किया जी। अभी मैंने आपको बताया सवर्णों के पीठ में इन्होंने छुरा घोपा है, 10% आरक्षण के नाम पर इन्होंने जल्दबाजी में लागू किया हाँ। उस पे कोई बहस नहीं होने दिया। वो अलग मुद्दा है सर, प्रियंका गांधी का चेहरा सक्रिय राजनीति में आने से उसका संबंध नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन अंशु अवस्थी क्या ओबीसी के बीच में और दलितों के बीच में कांग्रेस की पैठ नहीं है क्या, जो गठबंधन बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठा हुआ है कि प्रियंका गांधी आ जाए चाहे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए आनंद जी, एक चीज समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हमेशा लोकसभा चुनाव अलग लड़ी है और सभी पार्टियां लड़ती हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही, वो उनका उनकी अपनी आजादी है, वो लड़ रहे हैं, ये कोई गठबंधन बहुत वो मायने नहीं रखता, इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की होगी, हमारे पास किसान मायने कैसे नहीं रखता सर? अंशु अवस्थी, पहले आप किसी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे, जब आपको साइड कर दिया गया तो आप कह रहे मायने नहीं रखता देगी ना, हम तो इस गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते, लोकसभा के राष्ट्रीय चुनाव में जनता जवाब देगी कि इस गठबंधन को कितना सम्मान जनता देगी, जनता के पास हम जाएंगे, जनता के पास गठबंधन जाएगा, हमारे पास राष्ट्रीय नेतृत्व है, शानदार नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे एक नेता आप बताओ जो आवाज उठा रहा हो, सिर्फ अकेले श्री राहुल गांधी जी, किसानों की कोई बात कर रहा हो पूरे देश में आप बताओ मुझे कोई नेता बताओ आप, श्री राहुल गांधी जी जिसका कहीं पर कोई पैर फंसा है वो अपनी तैयारियां कर रहा है, कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों के साथ कि हम 10 दिन में किसानों कर्जा माफ करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करेंगे, सभी दल लड़ते हैं उनका स्वागत है, कांग्रेस पार्टी कभी तानाशाही, अगर वोट बैंक अंशु अवस्थी कांग्रेस की तरह मजबूत है, मुद्दे आपके पास ऐसे हैं कि आवाम आपके ऊपर विश्वास करेगी, तो प्रियंका गांधी को इतने लंबे इंतजार के बाद सक्रिय राजनीति में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो आप जांच भांप रहे थे ना कि उनके चेहरे की जरूरत है, राहुल गांधी से ज्यादा विश्वास प्रियंका गांधी के चेहरे पर है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को ये समझते हैं कि नहीं वो जो हम चाहेंगे वो होगा, अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोग अवेयर हैं और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में जनता ने दिखा दिया, मोदी जी के जो बड़े बड़े वादे थे वहां पर दूसरे दल जो जाकर लड़े थे जनता ने सबको जवाब दिया है, हम किसी की कोई आलोचना नहीं करते, हम आलोचना में ऊर्जा अपनी व्यय नहीं करेंगे, हम अपनी बात के साथ जनता के बीच में जाएंगे। वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं गोविंद जी जाना चाहूंगा कि क्या ये राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर जो इतना विश्वास था, प्रियंका गांधी का इस तरीके से लॉन्च किया जाना उस डगमगाते हुए विश्वास को दिखा रहा है? निश्चित तौर पर कांग्रेस का, कांग्रेस अपना जितना भी पुराना इतिहास बताए, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव एक ही परिवार से, और जो परिवार खुद को कांग्रेस का एक तरह से आधार मानता है, तो अगर ये इतनी बड़ी मजबूरी कांग्रेस के सामने है
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की क्षमताओं पर और राहुल गांधी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने विचार करके इस तरह का कोई फैसला लिया होगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस इसको इस तरह से भी कह सकती है कि वो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए पूरे देश के चुनाव में वो तमाम जगहों में उनकी व्यस्तता रहेगी, इस वजह से वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जिसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल होगा वो प्रियंका गांधी को, क्योंकि सोनिया गांधी भी अब अक्षम है बहुत ज्यादा अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से बहुत सक्रिय नहीं रह सकती हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वो सारी जिम्मेदारियों को निभाएगी। और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई वो भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसी बात को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम दो मजबूत सिपहसालार हों जो राहुल गांधी की कमियों को, राहुल गांधी की मौके पर न रहने की वजहों को उनको बराबर कर सकें और कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करें। तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सही दिखती है कि राहुल गांधी की क्षमताओं और राहुल गांधी की व्यस्तताओं के वजह से इस तरह का फैसला लेने को कांग्रेस को मजबूर होना। अंशु अवस्थी, कांग्रेस इस परसेप्शन से सहमति रखती है कि नहीं रखती है जो आवाम के बीच में बन रहा है, जिसको सवाल भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी की अक्षमता को प्रदर्शित करता है प्रियंका गांधी को इस तरीके से सक्रिय राजनीति में लाना? देखिए अनंत जी, एक चीज ये है कि कांग्रेस ये स्पष्ट तौर से मानती है अभिव्यक्ति की आजादी है, गोविंद पंत राजू जी की अपनी अभिव्यक्ति है, मैं उनकी बात को जोड़ते हुए बात जरूर कहूंगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, विश्लेषण अभिव्यक्ति जो भी आप समझे। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा श्री राजीव गांधी जी महासचिव थे जब इंदिरा गांधी थी, उसके बाद सोनिया गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी महासचिव उपाध्यक्ष बने, आज प्रियंका जी हैं। इसलिए कि देखिए निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, अक्षमता को लेकर जो बार बार बात हो रही है, पांच राज्यों के चुनाव ने इस देश को ये दिशा दी है कि श्री राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के सामने एक मजबूत विकल्प और चेहरा है। संगठन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है। प्रियंका गांधी कहते हैं कि पीएम का चेहरा राहुल गांधी हैं, 1999 से बराबर सभी दलों की बैठक के बाद कहते हैं उन्हें खासा अनुभव है कि कौन बनेगा क्षमता के अनुसार प्रधानमंत्री, आप कहते हैं कि राहुल गांधी का चेहरा है, बिल्कुल जनता अलग अलग है। पांच राज्यों के सेमीफाइनल ने जनता के जनादेश पे हम स्वीकार करते मोहर लगाई है। 2019 का भी चुनाव ये दिखाएगा कि इस देश में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जुमलेबाजी की गई थी, उसका जनता ने जवाब देने का ठान लिया है। आप याद करिए, किसान सालों से अपने घर में नहीं सो पा रहा है आनंद जी, वो अपने खेतों में अपनी फसल बचाने का काम करता है, क्यों? आपने जो गाय लेकर जा रहा था, बात करेंगे प्रधानमंत्री पद के चेहरे की, आपने बात की है, सपा से रिएक्शन जान लेते हैं उस संबंध में। राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने विनय कुमार सिंह जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन इनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं कि आपके पुराने साथी उनसे सवाल पूछ रहा हूं, पुराने साथी का लिहाज तो रखिए, उनको बोलने दें। 130 करोड़ मानते हैं लोग, पुराने साथी से सवाल पूछा हूं सर, विनय कुमार से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मायावती, सर सवाल तो सुन लीजिए, सर सवाल तो सुन लीजिए विनय कुमार सिंह, बीजेपी के ऊपर सवाल ये है कि जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मायावती अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने साफ नाम ना लेते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से सही होगा, अंशु अवस्थी राहुल गांधी का नाम लेकर जिंदाबाद करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश का से प्रधानमंत्री होगा, इशारा अखिलेश यादव का राहुल गांधी थे क्या? देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले से कहा है कि उत्तर प्रदेश से ही अगला नया प्रधानमंत्री होगा। नहीं, उससे पहले तो मुलायम सिंह यादव का नाम लेते थे सर, उससे पहले तो नाम के साथ कहते थे। अब यह नाम 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 किसी नाम हट गया, अब क्षेत्र आ गया, उन्होंने बताया है नहीं 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 नहीं, अब जो है उन्होंने कहा है कि नया प्रधानमंत्री होगा और देश की एकता को देश हित में प्रधानमंत्री होगा, उन्होंने पहले से कहा। और बीजेपी के प्रधानमंत्री हमेशा से जनादेश के साथ देश हित में होता है, ये कोई नई टर्मिनोलॉजी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सर ये बताइए, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, आप मान रहे हैं? अखिलेश यादव मान रहे हैं? ये उनके पार्टी के कैंडिडेट होंगे चेहरा। हमने बताया उत्तर प्रदेश को, हम यहाँ से कौन है, मायावती मुलायम सिंह यादव बिना उत्तर प्रदेश को,
वह समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। और बीजेपी बिना नमक का पकौड़ा, अब इनके बारे में बात करना बेकार है, इनका स्वाद अब उत्तर प्रदेश से खराब हो चुका है। कहाँ अब इनको बहुत ज्यादा तवज्जो, अब बात होनी चाहिए रोजगार पे, अब बात होनी चाहिए युवाओं पे, अब बात होनी चाहिए किसान पे। बीजेपी ठीक है, विनय सिंह मैं वापस लौटूंगा सर, मैं वापस लौटूंगा, चुनावी मुद्दों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन राजेश झा के सवाल नहीं उठता कि अगर कांग्रेस अपने आप को इतना मजबूत मान रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जनाधार मजबूत मान रही है, मुद्दे अपने बहुत बेहतर मान रही है, तो क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनको मध्य प्रदेश से हराने की जरूरत पड़ी, या क्यों सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी के चेहरे का सहारा लेने की जरूरत पड़ी? देखिए अनंत जी, मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ये जस्टिफाई करे कि वो यूपी से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चाहते हैं, तो मायावती को चाह रही हैं कि राहुल गांधी को चाह रहे हैं, ये तो स्पष्ट करें। इनके तो अंदर ही अंदर अपना विवाद बढ़ते चला जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी के आने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसी चीज देखने को मिल रही है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव दोनों एक ही घराने से, तो क्या नेता खत्म हो गया? कांग्रेस के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं, या फिर राहुल गांधी को ये रिप्लेस करना चाहते हैं? कि मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है क्या? ऐसी स्थिति क्यों करना पड़ रहा है कि एक ही परिवार से दो दो लोगों को ये लेकर राहुल गांधी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी के ऊपर उनको उतना विश्वास जरूर है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में वो कड़ी चुनौती देंगी। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव में लाया गया, 2013 में भी चुनाव में लाया गया, उससे क्या फर्क पड़ा? भारतीय जनता पार्टी को क्या सीट मिला? सक्रिय राजनीति में नहीं रही है, इनके आने से राजनीति में प्रियंका गांधी अब उतरी है, या कहा जाए कि उनको अब उतारा गया। सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का चेहरा एक बड़ी मुश्किल साबित करेगा आपके लिए, बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। एक चीज बता देना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी से आने से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को दिक्कत बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता और आसान हो गया। दोनों दोनों का यही रेट है सर, झा साहब आपकी भी बात यही है, उनकी बात यही है, दूसरे ही दिखाई देते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं बीजेपी को? थोड़ा धैर्य रखें, प्रधानमंत्री के हैं, राजेश झा मैं आ रहा हूँ, चार चार चेहरे इनके पास प्रधानमंत्री, काउंटर कर रहे हैं उनका काउंटर, चुनाव में उतरी है नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री। अंदर झांक के देखो, वहाँ भी कितने दावेदार पैदा हो चुके हैं। झा साहब आप लोग तय कर लीजिए ना कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है, मायावती को बनाना है, राहुल गांधी को बनाना है, अखिलेश जी को बनाना है, जी भी बातें चल रही है। राजेश झा, राजेश झा आप लोगों की भी कुछ बातचीत चल रही है, आप लोगों से सर इतनी उम्मीद तो करें कि चार चार नेता लेके आप आ रहे हैं चुनाव में, समझेंगे बात कौन क्या कह रहा है, जनता सारे काउंटर कर पाएंगे सर? आनंद जी, इस तरफ बोलने से फायदा नहीं होगा। राजेश झा थोड़ी देर ये कि राजेश झा जी से कह दीजिए अपनी जानकारी बढ़ा लें, हम अपनी चीजों को छिपाते नहीं, ये कांग्रेस की परंपरा है। जब भी कार्यकर्ताओं की डिमांड होती, कार्यकर्ताओं की मांग होती है, तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं की मांग सर्वोपरि है। कांग्रेस तो डिमांड 10 साल से कर रही थी, कार्यकर्ता बाड्रा जी, रॉबर्ट बाड्रा के, रॉबर्ट बाड्रा जी ने जो देश को लूटा है, इसको इसको क्यों नहीं, रॉबर्ट बाड्रा ने देश को लूटा है, क्या इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं रॉबर्ट बाड्रा ने हड़प कर लिया, इतना करप्शन किया, देश को लूटने का काम किया रॉबर्ट बाड्रा ने, देश को लूटा है, जस्टिफाई करेंगे प्रियंका गांधी? आप अपने समर्थकों का और हमारी व्यूअर्स का, दोनों का समर्थन, जनता का डिमांड कहां से, जनता का डिमांड आ गया 10 साल से 20 साल से जनता का डिमांड है, करके बात क्या आप जस्टिफाई करेंगे रॉबर्ट बाड्रा ने जिस तरह देश को लूटा है? राजेश झा सुनकर जवाब दीजिए, राजेश झा सुनकर आप अच्छा काउंटर कर पाएंगे, सटीक काउंटर कर पाएंगे? हम कोई बीजेपी मुक्त नहीं करने जा रहे, आप इसी भारत में रहिएगा। अंशु अवस्थी सवाल मेरा आपसे ये है, अंशु अवस्थी मुक्त तो कर दिया, अंशु अवस्थी यूपी के अंदर आप लोगों ने तो कांग्रेस मुक्त कर दिया, 38 सीट बांट लिए हैं, हताशा को हम डर में आपके नहीं बदलेंगे, आप कोई हताशा नहीं है, देश की जनता को पता है, देश को जनता को पता है कि विकास कौन दे सकता है और एक स्थायी सरकार कौन दे सकता है। मोटा भाई ने डिस्कशन शुरू कर दिया है कि अब पूरी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, पहले
पहले ही चर्चा हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। आप इसी तरह नए नए नेता को लाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को पता है, सज्जनों की आवाज को आराम दिया जाए ताकि चर्चा में सार्थक रूप से आगे बढ़ सके। आप दोनों सज्जनों के पास मैं लौटूंगा, लेकिन मैं उसी बीच में जाना चाहूंगा गोविंद जी आपसे, क्या सवाल नहीं उठता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर अपना जनाधार इतना मजबूत मान रही है तो क्यों फिर उनको बाहर से चेहरे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? एक ऐसी ऐसा चेहरा लाना पड़ रहा है जिसकी मांग लंबे वक्त से थी, अंत तक क्यों उतारना पड़ा? देखिए, ये क्राइसिस से निपटने के लिए कांग्रेस का एक तरह से बड़ी कोशिश है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो मतलब कांग्रेस के लिए इसको बाहर से चेहरा नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस में संगठन के स्तर पर तमाम लोग दूसरे राज्यों में काम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे। और ज्योतिरादित्य के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस इलाके से आते हैं, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े सीमावर्ती इलाके में, उनका प्रभाव कांग्रेस के लिए बहुत सकारात्मक तौर पर फायदा कांग्रेस को पहुंचा सकता है। लेकिन जो सवाल प्रियंका गांधी को लेकर है, उस सवाल के पीछे मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल ये भी है कि उनके पति, और भारत के समाज में पति पत्नी को आप अलग नहीं कर सकते, उनके पति पर संपत्ति कमाने के, अवैध तरीके से कमाने के कई आरोप हैं और उन आरोपों पर जांच बहुत आगे के दौर पर है। ऐसे वक्त में अगर वो राजनीति में सक्रिय होती हैं तो कहीं कहीं उनको इन अगर वो आरोप चुनाव से पहले खत्म नहीं हो गए और चीजें बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं हुई तो इन आरोपों का भी उनको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब तक वो जिस इलाके में काम करती नहीं है वहां पर जो मतदाता है वो एक तरह से उनकी प्रजा के तौर पर उनके सामने रहता है, तो वहां का भाव बिल्कुल अलग है। बाकी के उत्तर प्रदेश में जिन कड़वे सवालों का उनको जवाब देना पड़ सकता है, उनके खिलाफ राजनीति में जिस तरह, क्योंकि भारत की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और फूहड़पन की अब कोई सीमा नहीं रह गई, तो इस तरह के आरोपों का भी उनको जवाब देना पड़ सकता है। वो किस तरह से इससे उभरेंगी ये एक बड़ा सवाल होगा। और मुझे लगता है कि कम से कम उनके आने से अगर बीजेपी के लिए तो निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती पैदा हुई है, क्योंकि वो जहां जाएंगे निश्चित तौर पर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि उनमें कम से कम एक कनेक्ट, लोगों से अपने को कनेक्ट करने की उनके व्यक्तित्व में एक क्षमता है, सहज क्षमता है, उसका वो अपने पति और उन पर लगे संपत्ति के आरोपों के बचाव करते हुए किस तरह से उपयोग कर सकती हैं, ये देखना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, मैं दस सेकंड आपके पास बिल्कुल आऊंगा सर। बहुत महत्वपूर्ण, मैं 10 सेकंड एक बात जरूर लीजिए। आप देखिए, मैं अनुरोध करूंगा, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, एक साल में एफटीसी कोर्ट बनाकर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, 4.5 साल हो गए, एक आप बता दो अगर चींटी को जेल भेजाओ, पहली बात। दूसरा, मैं माफी के साथ कहता हूं, आप कम से कम रायबरेली और अमेठी के लोगों का और गांधी परिवार का प्रजा राजा का संबंध ना कहें, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा हो सकती है। गांधी परिवार का अमेठी और रायबरेली के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है, गांधी परिवार का इस देश के साथ पारिवारिक रिश्ता है, गांधी परिवार ने अपने खून से इस देश को आजादी की लड़ाई में सींचा है, निश्चित तौर से आज उसको प्रजा राजा नहीं, भारत में लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र की स्थापना में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जाने दी है। जी, तो यहाँ पर कोई प्रजातंत्र नहीं, यहाँ लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही हो सकती है, हम ये पारिवारिक संबंध होता है लोकतंत्र, तो अमेठी रायबरेली की तस्वीर इतने वक्त में बदल चुकी होती, वहाँ के विकास के लिए बेहतर योगदान किया गया होता, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सबल बना दिया गया होता, इतने वक्त में अगर पारिवारिक रिश्ता होता तो खून से सींचने वाली बात आपकी होती, देश की उड्डयन अकादमी भावनात्मक बातें करने से नहीं होता, देश की उन भावनात्मक बातों के तहत काम करने से भी लोग देखते हैं। रायबरेली में है, देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, आप ये बताओ बनारस में एक भी संस्थान कोई 5 साल में खुला हो मुझे बता दीजिए, मैं तो अनुरोध के साथ कहता हूँ सर, कंपैरिजन करने का मेरा यहाँ पर एक भी नहीं है, बता दें बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों में सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आज की राजनीतिक समीकरण क्या बन रही है। उत्तर प्रदेश में सहित पूरे देश में देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर कोई प्रजातंत्र नहीं। चलिए ठीक है, आपके माध्यम से एक चीज पूछ लूँ राजेश जी से। जी विनय जी बताइए, माध्यम से एक शब्द पूछ लूँ राजेश जी, बड़ी विनम्रता से आप इसे पूछना चाहते हैं
कि बड़े दृढ़ता से बताइएगा उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सीट है जहां पे आप फाइट कर रहे हैं, नाम लेकर बता दीजिएगा। हमें दिख तो नहीं रहा है। मोदी जी निकल चुके हैं पूरी फैमिली में, मोदी जी खुद भाग चुके हैं, राजनाथ जी अपना अपनी सीट बदल रहे हैं। ये है गठबंधन का भय, आप ये है अखिलेश जी के कार्यों का भय, भविष्य में ही रहने देते। आप जवाब तो सुन लीजिए विनय कुमार सिंह, आपने सवाल पूछा आप जवाब भी सुन लीजिए। भगवान बन गए, अभी भविष्य वक्ता बन गए हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। समय आ रहा है, समय जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, एक चाय बेचने वाला हमारा प्रधानमंत्री है, कोई राजा परिवार। और आपने जिस अब गरीबों की पार्टी कहेंगे सर, वो आपके नए दफ्तर की तस्वीर दिखा देंगे। अब वो चाय देखने राजा जी, आप गरीबों की पार्टी कहेंगे तो वो नए दफ्तर की तस्वीर आपको दिखा देंगे। नए दफ्तर की तस्वीर जो बनी है वो दफ्तर कहीं से भी किसी गरीब पार्टी का नहीं लगता है। परिवार आजादी में लड़ाई लड़ी। ठीक है राजेश जी मैं लौटूंगा चर्चा में, वक्त कम बचा, उस चर्चा को सार्थकता से इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त को अजय प्रमुख में जाना चाहूंगा आपसे, क्या प्रियंका गांधी के लिए आसान होगा के ऊपर लगे आरोपों का सामना करना। झांसा सुन लो जरा, ठीक है? अंशु अवस्थी मानते हैं गरीबों की बात करते हैं, महासचिव बने कुछ अंशु अवस्थी राजेश झा, चर्चा में वक्त कम बचा है सर, उसको सार्थकता से इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा सा देश के लिए और भी थोड़ा आंख खुलने वाली बात होगी। ठीक है विनय कुमार सिंह, हो गया। झांसा सुन लो जरा, हम लोग तो चाय पीने वाले। झांसा सुन लो, चाय अब नहीं चलेगी, चाय वाली बात बहुत खत्म होगी है। जहाँ साहब मेरा यह कहना है, बाडरा जी के बारे में जो पूछा है हमारे भाई जी ने, बाडरा जी के बारे में ये पिछले चुनाव से कहते आ रहे हैं और अब तक कोई रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। जब ये अपनी सरकार में रिजल्ट नहीं दे पाए हैं तो अगली सरकार में क्या क्या नहीं क्या बात अलग है, लेकिन पब्लिक के बीच में परसेप्शन है। अच्छा ये परसेप्शन के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे तो क्या आसान होगा? पब्लिक भी जानती है इस चीज को, पब्लिक भी जानती है। ये केवल भाजपा का मुद्दा है, ये केवल भाजपा का मुद्दा है, ये साबित कुछ नहीं कर पाए, ये साबित कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इन्हें इस चीज का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, चर्चा में वक्त खत्म हो गया, चर्चा में विराम भी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति में अब प्रियंका गांधी की एंट्री हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको दारोमदार सौंपा गया है, जहां पर कि कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसमें प्रधानमंत्री की सीटें भी आती हैं, संसदीय सीट भी आती है, इसमें कि मुख्यमंत्री की संसदीय सीट भी आती है जो रही थी उनकी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की संसदीय सीट जो रही थी वो भी आती है। ऐसे कई सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में सांसद के तौर पर जनता ने चुना है। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद राजनीतिक हालात कितने बदलेंगे और कितनी सफल होगी कांग्रेस की रणनीति, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। नमस्कार।